हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटेसी बस पे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस थाईलैंड वुमेन के बीच में जो मैच खेला जाने वाला है, तो डिटेल में बात करेंगे। आप लोग के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आए, बस पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाएगी। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन प्रेस करके, आगे भी इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट से, लेकिन उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, क्योंकि जो भी फाइनल अपडेट आएगी, प्लेइंग 11 आएगी, यहीं पे हम आपको बताएंगे। आफ्टर टॉस जो भी हमारे कॉम्बिनेशन में चेंजेस रहेंगे यहीं पे बताएंगे, क्योंकि कुछ भी जो चेंजेस होते हैं उसका इस वीडियो के बाद या फिर कोई इंजरी रिपोर्ट आती है तो फिर से वीडियो बना के डालना बहुत पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि कुछ लोग देख नहीं पाते। यहाँ पे हम लोग आपको एक मैसेज कर देते हैं, आप लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जुड़ना बिल्कुल फ्री है। कैसे जुड़ सकते हो? अपना टेलीग्राम ऐप ओपन करो, यहाँ पे कोने में सर्च का बटन आएगा, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है जाते ही FANTSYBUZZ11, ये हमारे चैनल का यूज़र नेम है फैंटेसी बज 11, इसे जाके सर्च कर लीजिएगा। 64,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाला एक चैनल दिखेगा आपको, वहाँ पे फ्री में जुड़ जाना है। ओके, अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रीव्यू की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मानुका ओवल कैनबरा का ये ग्राउंड है और यहीं पे कुछ मैचेस खेले भी गए हैं, तो पिच अभी तक के हिसाब से न्यूट्रल देखा गया, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करता है तो आप ये समझ सकते हैं कि साउथ अफ्रीका 150 ईजी पहुँचा सकता है, क्योंकि थाईलैंड की जो टीम है वो काफ़ी वीक है इन कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है, लॉजिकली बनाया जाए टीम, तो साउथ अफ्रीका को ये मैच ईजी विन करना चाहिए। टोटल यहाँ पर 12 मैच खेले गए, 168 का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर, सेकंड इनिंग का 110, और पहले बल्लेबाजी करने वाली 6 बार, बाद में बल्लेबाजी करने वाली 6 बार, तो यहाँ से कुछ पता चलता नहीं है। आप लोगों को बस टीम देख के, टीम की स्ट्रेंथ देख के आपको टीम बनाने की कोशिश करना है। ओके, वैसे मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, और मैं आपको बता दूँ साउथ अफ्रीका वुमेन कप मैं बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे हम प्लेयर वाइज एनालिसिस करेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान से सुनना है। अभी मैं आपको सिर्फ प्रोबेबल प्लेइंग 11 बता रहा हूँ। तो साउथ अफ्रीका से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लीजा ली ओपन करेंगी, और मेरे हिसाब से लीजा ली फिलहाल के लिए फॉर्म तो अच्छी नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं कि सामने जो थाईलैंड की टीम है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा पारी खेल सकती है। डेनविन निकर्क 46 रन 2 विकेट लास्ट मैच में, मैरिजन कप 38 रन प्लस 2 विकेट, कॉलेट राउन 12 रन, एम डी प्रीज 18 रन, सुनील यूस 1 रन, लॉरा वर्डर्ट की बल्लेबाजी नहीं आई, टी छट्टी की भी बल्लेबाजी नहीं है, SS माइल 1 विकेट, आयमंग खाका 3 विकेट, एन मलाबा 0 विकेट। अब ओपन बॉलर इनके एन मलाबा, SS माइल और खाका और एम कैप में से कोई एक हो सकता है डेथ में, इस्माइल कैप और खाका, लास्ट मैच में कैप और खाका ने कराया था, लेकिन इस्माइल भी डेथ में कराती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से थाईलैंड वुमेन की, तो इसकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो इनकी ऑलराउंडर सेक्शन है, क्योंकि इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे ऑलराउंडर है, और अगर इनकी टीम विन करती है, वैसे विन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन विन भी करती है तो ऑलराउंडर सेक्शन का ही जो है पूरा का पूरा दारमदार रहता है। उसके बाद एन बुचंतम और सुथियान गढ़, ये इनके मेन ऑलराउंडर है, एस्टिपोज भी अच्छी ऑलराउंडर है, एन चंतम इनकी टीम की सबसे अच्छी बैट्समैन, और आपको मैंने बता ही दिया कि इनकी टीम के सिर्फ 4 प्लेयर लीजिएगा, क्योंकि इनकी टीम थोड़ी वीक है इन कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका, और ऐसे प्लेयर लेने की कोशिश कीजिएगा जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से पॉइंट दे सके। ओके, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। प्रोबेबल प्लेइंग 11 अगर इनकी देखें तो एन चंतम ओपन करेंगे, लास्ट मैच में 32 रन बनाए, उसके बाद बुचंतम है यहाँ से 2 रन प्लस 1 विकेट, फिर 0 रन प्लस 1 विकेट, और यहाँ से कोचाइन रॉइंग का ही जो कि 12 रन बनाया लास्ट मैच में, उसके एन चायवाई इन्होंने 19 रन बनाया, एन सुथियान जिन्होंने 1 रन प्लस 0 विकेट, एस टी पॉच 1 रन प्लस 0 विकेट, विकेट नहीं मिल रहा है यहाँ से, फिर काम चोम्पू है 2 रन, और इसके बाद लियांग परसेट जिन्होंने 1 रन प्लस 0 विकेट, उसके बाद पार्डुन ग्लर्ड है 0 विकेट, एस लाउमी 0 विकेट, एस लते है 1 विकेट, 2 मैच में 2 विकेट निकाल चुके हैं। इनके ओपन बॉलर जनरली फिक्स नहीं रहते, लेकिन बुचंतम और लते का लगभग फिक्स है। डेथ में यहाँ से जो इनकी डेथ बॉलर हो सकती हैं वो है यहाँ से सुधीर वांग, और यहाँ से बुचंतम, और यहाँ से पार्डुन ग्लर्ड, ये इनका जो है डेथ बॉलर का मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन रहने वाला है। सुधीर वांग है इनका, आप कन्फर्म समझ सकते हैं। और यहाँ से अब हम बात कर लेते हैं इनकी इंपॉर्टेंट पिक की दोनों ही टीमों की, तो यहाँ से इनके टॉप ऑर्डर के पूरे मतलब जो भी इनके जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी हैं लाइक लीजा ली, डेनविन निकर, कैप, आप चाहें तो यहाँ से सुनील उसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये गेंदबाजी कराती हैं तो ये भी विकेट निकाल सकती हैं, लेकिन जनरली जो मैचेस होते हैं उसमें जो इंटरनेशनल लेवल के ये वर्ल्ड कप है तो यहाँ पर पार्ट टाइमर को इतना ज़्यादा मौका मिलता नहीं है, लेकिन सामने वाली टीम देख सकते हैं आप, थाईलैंड की टीम वीक है तो हो सकता है पार्ट टाइमर को मौका मिल जाए, तो यहाँ से कॉलेट राउन और सुनील उसको ग्रैंड लीग में कैप्टन बना दीजिएगा, बाकी इनके तीनों मेन बॉलर, यहाँ से मलाबा को भी विकेट मिल सकता है, हालांकि इतनी अच्छी गेंदबाज नहीं है, लेकिन सामने थाईलैंड की टीम है तो इनको भी विकेट मिल सकता है, तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पिक है। यहाँ से मैंने आपको बता दिया इनके ऊपर के 3 और यहाँ से नीचे के 3 प्लस इनमें से कोई एक आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, मैं कहूँगा तो कॉलेट राउन को, अगर इनकी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी तो कॉलेट राउन को ट्राई कीजिएगा, और अगर इनकी टीम बाद में बल्लेबाजी करती है तो यहाँ से सोने ली उसको भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से इनके जो मतलब इंपॉर्टेंट पिक की, तो यहाँ से एन चंतम, उसके बाद बुचंतम,
क्योंकि बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों करेंगी। और उसके बाद सुधीर वांग, टिपोच, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ये चार आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से असलतेह को भी ट्राई कर सकते हैं जो कि बल्लेबाजी सेक्शन में दिया हुआ, 2 विकेट इन्होंने भी निकाल चुके हैं 2 मैचेस में। अब हम चलते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छे ओवर अच्छे ऑप्शन, तो यहाँ से लीजा ली, डेनविन निकर, एम कैप, यही मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन होने वाले हैं। और कोई भी बॉलर साउथ अफ्रीका का जो कि पूरे 4 ओवर गेंदबाजी कराता है, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में सुनील लियोस, बिकॉज अगर इनको गेंदबाजी मिल गई, लास्ट मैच में नहीं मिली तो कई लोग इनको नहीं बनाएंगे कैप्टन, लेकिन सामने थाईलैंड की टीम है तो पार्ट टाइमर को भी मौका दिया जा सकता है, इसलिए मैंने इनको इनका नाम लिखा। लीजा ली को भी मैंने एक बार दोबारा लिख दिया, बिकॉज सब लोग डेनविन निकर और एम कैप के बच जाएंगे, अगर लीजा ने अच्छे बैटिंग कर दी तो मेरे हिसाब से ये आपको एक तरफा जितवा देंगे। उसके बाद यहाँ से तम को भी ट्राई कर सकते हैं, एस स्माइल जैसे मैंने आपको बताया, ये एक तरफा भी विन करवा सकती है अगर आपको विकेट निकाल के दे देती है तो। एन भुचंतम का थोड़ा रिस्की मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी, भुचंतम जो है अच्छी ऑलराउंडर है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन में प्लेयर एनालिसिस, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा विकेट कीपर सेक्शन में। यहाँ से हमारे पास 4 ऑप्शन है, लीजा ली, और यहाँ से उसके बाद कोचे रियोंगकाई, लीजा ली मैंने आपको बता दिया, हालांकि फॉर्म अच्छी नहीं है लेकिन आपको अच्छे बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं क्योंकि सामने वाले की बॉलिंग काफ़ी वीक है। और यहाँ से एंड मैंने इनको लिया हुआ जिसके नाम के आगे निशान लगा हुआ है, इनको मैंने अपनी टीम में लिया हुआ है, अभी मैं आपका कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे दिखा दूंगा। ओके, तो यहाँ से उसके बाद कोचे रियोंगकाई को मैंने इसलिए लिया हुआ है बिकॉज अपनी टीम के लिए लगातार रन बना रही है, तो आप इनके जगह पर एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर ले सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा इनके जगह पर आप किसको ले सकते हैं, लाइक यहाँ से आप ले सकते हैं सुथी रुवांग को या टिपोच को, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको क्रेडिट भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर क्रेडिट मैनेज नहीं करना पड़ रहा है तो अच्छी बात है, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोचे रियोंगकाई जो है विकेट के पीछे से भी पॉइंट दे सकती हैं और अभी तक अच्छा रन बना रही हैं और वन डाउन बल्लेबाजी करने आ रही है। 3/6 उतना ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं, इस खाई तो खेलेंगी नहीं। एम डी प्रीज का बल्लेबाजी आना बहुत मुश्किल है, इस वजह से मैंने इनको नहीं लिया हुआ है, मैंने एनचंतम को लिया हुआ है, सुनील लियोस को मैंने लिया हुआ है। अब ये थोड़ा डिपेंड करता है टॉस पे, तो ये टॉस पे डिपेंड क्यों करता है, क्योंकि मैं सुनील लियोस के साथ जाऊँ या कोलेट राउन के साथ। अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो मैं यहाँ से कोलेट राउन के साथ जाऊँगा, और अगर सुनील लियोस मतलब इनकी टीम गेंदबाजी करती है पहले तो मैं हो सकता है सुनील लियोस के साथ जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आफ्टर टॉस बताऊँगा, और कहाँ पे बताऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल पे आपका जुड़ना बहुत जरूरी है, फैंटेसी बज FANTSYBUZZ11, ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम या गूगल पे, कहीं पे भी 64K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाला एक चैनल दिखेगा, वहाँ पे आपको जाके जुड़ जाना है फ्री में। ओके, वहीं पे आपको सारी फाइनल अपडेट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से NCHAWAI को आप ट्राई कर सकते हैं, लॉरा वर्डोट काफ़ी नीचे बल्लेबाजी करने आ रही है तो मेरे हिसाब से उतनी अच्छी ऑप्शन रहेगी नहीं, एनकानो खेलेंगी नहीं, एसलते को मैंने लिया हुआ क्योंकि ये हालांकि बल्लेबाजी सेक्शन में दी हुई है लेकिन ये गेंदबाजी करा रही है और अभी तक 2 मैचेस में 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं, इसी रीज़न से मैंने इनको लिया हुआ है। ठीक है, इनका खेलेंगी बट एवरेज प्लेयर और ज़्यादा पॉइंट देने के वो है नहीं, मतलब गेंदबाजी करा नहीं रही है कुछ खास और बल्ले से आप इनसे उम्मीद कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने क्या किया हुआ है, डीवी निकर मस्ट हैव ऑप्शन, एरिजन कैप मस्ट हैव ऑप्शन, एंड भुचंतप की जगह पे आप लोगों को यही जो चॉइस है ये जो विन कराएगा, एक एन भुचंतप और एक जो यहाँ से है यहाँ से काची रुवांग का ही, क्योंकि ये जो चॉइस है आप लोग इनकी जगह पर आप चाहें तो सुथी रुवांग और टिपोच को ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑलराउंडर है अपनी टीम के लिए क्योंकि इनकी टीम की जो स्ट्रेंथ है थाईलैंड की वो इनके ऑलराउंडर सेक्शन, और ये है टिपोच, सुथी रुवांग और भुचंतम, और उसके बाद यहाँ से आप इनके एनचंतम, ये लोग इनके स्ट्रेंथ है तो आप चाहें तो इन दोनों को भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने नहीं लिया हुआ है, मैं यहाँ भुचंतम के साथ गया बिकॉज ओपन करेंगे और कन्फर्म है कि 4 ओवर की गेंदबाजी पूरी कराएंगे ही कराएंगे, अदरवाइज यहाँ से डेथ में गेंदबाजी जो कराने आते हैं यहाँ से आप देखेंगे इनके, तो अगर साउथ अफ्रीकन टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो जो इनके डेथ में गेंदबाजी कराते हैं लाइक यहाँ से सुथी रुवांग, तो मैं सीधे सीधे यहाँ से सुथी रुवांग को लूँगा भुचंतम को हटा के, अगर इनकी टीम पहले मतलब गेंदबाजी कराती है तो थाईलैंड की टीम। ठीक है, तो ये भी एक चेंज हो सकता है जो कि मैं आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे बता दूंगा। बाकी टिपोच चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ये भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है लेकिन मेरी टीम कॉम्बिनेशन में बैठ नहीं रहे, एंडी क्लर्क और पी माया खेलेंगे नहीं। बॉलिंग सेक्शन से मैंने सारे बॉलर्स कवर करने की कोशिश की साउथ अफ्रीका से, एस स्माइल, आयुबंग काका दोनों अच्छे प्लेयर और दोनों को ही मस्ट हैव ऑप्शन मैं मानता हूँ। एस लाउमी को चाहो तो ट्राई कर सकते हो, 2 मैच में कोई विकेट नहीं मिला है। कोमचांपू इनका भी कोई एवरेज प्लेयर कुछ खास है नहीं कोई पार्टिकुलर, इनको मतलब इनको ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना है, एम क्लास खेलेंगी तो। यहाँ से वैसे एन मलाबा भी खेली थी लास्ट मैच में, इस वजह से मैंने इनको लिया हुआ है, अगर इनके जगह पर एम क्लास या तेसुखोगेन कोई भी खेलता तो मैं उनको ही लूँगा क्योंकि मुझे साउथ अफ्रीकन के सारे बॉलर्स कवर करने। ओके, आप चाहें तो इनकी जगह पे यहाँ से कौन चांपू एसलाउमी को ले सकते हैं लेकिन वो मतलब थोड़ा रिस्क हो जाएगा क्योंकि इन लोगों को विकेट मिलने के चांसेस बहुत कम है और ये दोनों को खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने लिखा हुआ है लीजा ली, काची रुवांग, सुनील लियोस, चंतम, एसलते, डेनविन निकर कैप्टन, वाइस कैप्टन मेरिज
सचिन कैम, भुचंतम, एस इसमाइल, अयवंग काका, एनमलाबा। अब यहाँ से आप चाहें तो लीजा ली को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। ग्रैंड लीग में मैंने आपको बता दिया इनके बॉलर्स के ऊपर ट्राई कीजिएगा। तो ये मेरी टीम, इसमें कुछ भी चेंज होगा आफ्टर टॉस आपको फाइनल अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा क्योंकि फाइनल अपडेट आपको वहीं पर मिलेगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च क्या करना है, फैंटेसी बज 11, और यहाँ पर जाके 64 के सब्सक्राइबर्स वाला चैनल दिखेगा, ये सर्च करेंगे तो FNTSYBUZZ11, तो यहाँ पे आपको जुड़ जाना है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।